हेलो ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गाइस, माय टू चैनल मासिक पटेल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को मित्रों सिखाने वाले हैं गुणनखंड बनाना। ठीक, कैसे हम गुणनखंड को बनाते हैं, कोई भी बड़े बड़े गुणनखंड आ जाएंगे तो कैसे आप जो है इनको बनाएंगे, तो आइए समझाते हैं, टाइम ना लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन ना लगाते हुए टाइम ना लगाते जाते तब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है यस स्क्वायर माइनस छः एक्स प्लस अब ऐसा छे को दो मान तुमको ऐसा लेना है कि गुणा करने पे छे आ जाए और जोड़ने पे पांच। ठीक, हमेशा यही फॉलो चीजें आपको करना है, कुछ भी गुणनखंड बनाना नहीं करना है, बाकी आप आराम से बड़े बड़े गुणनखंडों को आसानी बना सकते हैं। ठीक, तो छे का ऐसा दो गुणनखंड लीजिए कि गुणा करने पे छे आ जाए, जोड़ने पे पांच। तो किसमें हम तोड़ेंगे, यहां से ध्यान से देखिए, यानी दो गुणे तीन, दो में तीन जोड़े यानी गुणा कराएंगे तो दो तीन छह, दो प्लस तीन करेंगे कितना जाएगा पांच। ठीक, यानी बन गया। बस इसी तरह मित्रों हमको गुणनखंड बनाना होता है। ठीक, जो ये नीचे हम टॉपिक तोड़ कर लिखते हैं उसी को यहाँ पर ब्रेकेट में रखा जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो प्लस तीन इंटू एक्स प्लस सिक्स। ठीक, बराबर निकाल दीजिएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब भी ब्रेकेट टूटेगा पहले अंदर गुणा करा लीजिएगा, एक्स का दो में गुणा होगा तो दो एक्स प्लस तीन एक्स प्लस सिक्स। अब जब यहां ब्रेकेट तोड़िएगा तो हमेशा दोनों में चेंजिंग होगा। ठीक, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स। अब यहां से क्या करना है, सभी को कॉमन निकालना, अभी दोनों में से कॉमन देखिए, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलेगा, इन दोनों में क्या दिख रहा है एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू हमारा अंदर बचेगा, दो एक्स है एक एक्स निकलेगा तो एक एक्स बचेगा, यहां से एक्स निकल जाएगा तो बचेगा क्या माइनस, तो यहां से कॉमन क्या होगा जो यही आगे मान होगा माइनस तीन कॉमन लेंगे। अब यहां देखिए जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना आपको। अब माइनस तीन कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा हमारे पास क्या यस, ये प्लस है तो माइनस, दूना छह तीन दूना छह यानी अंदर आ जाएगा हमारे पास दो। बस यही इसी तरह आपको गुणनखंड बनाना है, अब कुछ नहीं करना, जो बाहर कॉमन है एक ब्रेकेट में लिख देंगे और इन दोनों में से हमेशा एक लिया जाता है। ठीक, यस माइनस टू, ठीक ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह आप जो है कॉमन बना सकते हैं, गुणनखंड इसी तरह बनाया जाता है। ठीक, तो आप सभी लोग गुणनखंड आप सभी लोग को क्लियर हो गया, कोई सीखने दिक्कत नहीं होगा। ठीक, वैसे अगर दिक्कत तो एक क्वेश्चन और आप सभी को समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरी टाइप। ठीक, मान लीजिए अभी आपको सभी लोग को वो अलग टाइप क्वेश्चन था जो गुणनखंड मैंने बताया, मान लीजिए जब इस तरह आगे आ जाएगा गुणनखंड में। ठीक, आगे कोई मान दे दिया जाएगा और पीछे तो कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने पूरा बताया, देखिए मैंने उस क्वेश्चन में बताया था तो वहां पर क्या था एक था, लेकिन उसकी जगह पर आपकी क्या दे दिया है यहाँ पर चार, तो हमेशा पहले और लास्ट का आप क्या करेंगे गुणा कराएंगे। ठीक, तो इधर पच्चीस और चार का गुणा कराइएगा तो पच्चीस चौक का सौ, सौ आ गया। अब इसी को हमको तोड़ना है, ऐसे दो मान में तोड़िए कि गुणा करने पे सौ आ जाए और जोड़ने पे बीस, तो कितने पे तोड़ेंगे हम देखिए इसको, दस गुणे दस तो दस दाग हमारा कितना होता है सौ, और दस में दस जोड़ देंगे कितना जाएगा बीस। ठीक, बस देखिए इसी तरह आसानी से आप पकड़ सकते हो, यही इसका सबसे बड़ा चीज है। अगर आप यहाँ पकड़ तोड़ लगे तो उसके बाद कार्यक्रम यहाँ खत्म है। ठीक है, तो इसी नीचे वाले को हम आप लाकर यहाँ पर उठा कर रखते हैं। देखिए अब चार एक्स स्क्वायर प्लस ब्रेकेट में लिखेंगे दस प्लस दस बाहर एक्स प्लस पच्चीस। ठीक, अब ब्रेकेट तोड़िएगा, देखिए जब प्लस रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, चार दस का गुणा एक्स में होगा तो प्लस दस एक्स प्लस दस एक्स प्लस पच्चीस। ठीक, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, ऐसे यहाँ से लगा लीजिएगा, हमेशा ऐसे कॉमन लेना आसान हो जाता है। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, दो मिल रहा है, एक दो दूना चार, दो पंचे दस और एक एक्स मिलेगा तो दो दूना चार, दो एक्स यहाँ हो जाएगा प्लस पांच, यहाँ से क्या कॉमन होगा प्लस पांच कॉमन हो जाएगा तो पांच दूना दस प्लस पचून पच्चीस, ये दोनों में एक में लिख दीजिएगा, दो एक्स प्लस पांच एक में और एक में आ जाएगा दो एक्स प्लस पांच। जब इस तरह एक ब्रेकेट में सेम आ जाएगा तो ये हमारा हो जाता है क्या लिख सकते हैं इसको, यानी ये हो जाएगा दो एक्स प्लस पांच का होल स्क्वायर। ठीक,
होल स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह के जो है आपको गुणनखंड बनाया जाता होगा। तो आप सभी लोगों को गुणनखंड समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो आज यहीं तक क्लास छोड़ते हैं, थोड़ा रोकते हैं। तो जय हिंद जय भारत, लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।